वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं जी खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये कौन झुकी नजर से सलाम करके चला गया है? अच्छा। था जिस नजर से सबको काम को काम करके चला गया है। अरे साहब, वो सलाम मैंने किया था। ओए तुम थी, तुम्हें सलाम भी नहीं करना था, ये कह के गई है। अस्सलाम वालेकुम मीरा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। यू लुक लवली। झूठ मत बोलो। चले लगता है आप शीशा देख के आई हैं। यही बात है कि औरत ही औरत की तारीफ करती है, औरत कभी मर्द की तारीफ। आज मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ और मेरी तारीफ भी नहीं की। अच्छा वैसे खलील जी, आप मेरे इंग्लिश पे सब लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी किसी ने इरफान की इंग्लिश पे सवाल नहीं उठाया। एशिया कप, वर्ल्ड कप और जुमला वन एंड ओनली रमीज राजा, क्योंकि वन एंड ओनली है। अब आपको तो कह नहीं सकते इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, जैसे चॉकलेट से चेंज करते हो उसको भी चेंज करो। अच्छा जी, करते हैं आपको भी चेंज करते हैं। मैं उस क्रिकेट एंड करा, फ्री मत हो मेरे साथ, बाद में कहते हो मीरा ने फ्री किया था, ये देख रहे हो, फिर बाद में मीरा पे इल्जाम लगाए जाते हैं। अच्छा मीरा प्लीज, वो हमारे मुल्क ने कभी कोई नॉर्मल चीज नहीं, हमारे भी हजारों वाले, ये भी शेखुपुरा से अनफॉर्चुनेटली जो शाकार फिर मोहम्मद आसिफ आए, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओह माय गॉड, फिर ऊपर से और नहीं, शेखुपुरा बड़ी नहीं जी। अगर हम मीरा जी की बात करें, ब्लंट है, मुझे तो मासूम लगती हैं और ब्यूटी विद ब्रेन्स भी है, खूबसूरत है, मुझे पसंद है इनका स्टाइल सेंस और ब्लंट बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि कभी कभी इतनी मासूम है कैसी, वो डिलिबरेटली नहीं कर रही होती, बस वो हो जाता नहीं, है। मैं डिलिबरेटली कर रही हूँ। अच्छा खुद अच्छा, गलत अंग्रेजी क्या होता वैसे? आप गलत अंग्रेजी जानबूझ के छोड़ो बस। एलिफेंट्स, फाइव एलिफेंट्स इज रनिंग इन माय टमी। ये क्या, फाइव एलिफेंट्स, पांच हाथी, मेरे पेट में तितलियां नहीं हाथी घूम रहे हैं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है पिछली सर्दियों की जैकेट में से चूहे तो सुने थे पेट शेखुपुरा से या कुछ भी हो। कौन है जो बार बार मेरी बातों में आना चाह रहा? उसको माफ कर दिया जाए। पूछोगे नहीं कि मैं खुश? जी जी, मेरी सर्दियों के जैकेट में से आज पूरे 300 रुपए निकले। आपकी तो ईद होगी होगी। कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी होती होगी ना 300 पे। अच्छा तो बर्दाश्त भी कर लेते हैं फौरन। रिएक्ट फौरन से करती हैं। अच्छा खलील, जब भी ये लड़का शर्माता है तो इसका चेहरा शाइन करता है। आज वैसे एक बात बताऊं, मेरा स्पेशल नहीं हो रहा। अच्छा हम खलील सर से ये जानना चाहेंगे कि आप भी माशाल्लाह से बहुत कमाल। खुदा की मुझे कुछ नहीं पता। क्या जानना है? देखिए मैं जो बादशाह को बता चुका हूँ, अब मेरे ख्याल से कोई रह नहीं गया। अच्छा, लेकिन इस कलम की स्याही में खत्म नहीं होने दूंगा। चले फिर नहीं पूछते, मीरा जी से पूछ लेते हैं। मजाक ये नहीं कि बंदा आप हमेशा बताते हैं, थोड़ा सा बताइए। आप कहते हैं आमद होती है आपको, और फिर आमद जब होती है तो फिर आप लिखते चले जाते हैं, ये सब वाले सर। आपको पता है पूरा शो जब हो रहा था, मेरे पास ये ढेर लगा हुआ सारा आमद का, ये अल्फाबेट्स पड़े हैं, अल्फाबेट्स पड़े हैं, अब इन्हें मैंने जोड़ना है। अच्छा जी, कहाँ बैठे मैं? एक मुल्क का बड़ा राइटर आपके साथ अच्छा, बैठा हुआ है। अच्छा मैंने बात पूछनी है, आमद आपको इंग्लिश में होती है या उर्दू में? केजा कर रही हूँ। जिसका चेजा होना होता है, चेजा उसी का होता है। मैंने कहा शायद इंग्लिश में आमद होती है। लेकिन इस बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ग्लव्स, इरशाद इरशाद, ग्लव्स, बैट, बॉल, पिच, विकेट्स, क्राउड, स्पेक्टेटर्स, नेविगेटर, एलिगेटर, सिमुलेटर, नेवर वेट फॉर अ पीपल हु आर लेट कमिंग इन द गेम। व्हाट इवन, ये कोई, ये आपने एंजेलो मैथ्यू को कुछ कहा? मैथ्यू के ऊपर बोले। देखिए मैथ्यू, इस खेल का खूबसूरत, इस खेल की खूबसूरती ये है कि इसमें आपको मैक्सवेल भी अच्छा परफॉर्म करते दिखता है, फखर जमान भी अच्छा परफॉर्म करते दिखता है, और कौन से थे यार? रटा इतने तो। अच्छा वैसे खलील साहब, मैंने अगर कभी ड्रामा बनाया ना, मैंने तुम्हें नहीं लेना। लेकिन थैंक यू सो मच, आप इस पे एक ड्रामा बना सकते हैं। कौन सा? सुबाना की आप बेटी।
शबाना क्या बीती मीरा, तुम्हें पता है मीरा, मेरे लिखे हुए का एक डॉट भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लिखा जाता है, स्याही मिटती नहीं। अच्छा खलील साहब, हम आपसे कुछ जानना चाहते हो, ये कि आप बहुत कमाल के राइटर हैं और मीरा जी बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, लेकिन अभी चले आई टेक माय वर्ड बैक, मीरा जी एक्ट्रेस हैं लेकिन अभी चला जाऊंगा ना जी, जब मैं चला जाऊंगा उसके बाद याद कर करके रोओगे तुम। नहीं नहीं, अभी तो आप हमारे शो में हैं ना जी, सवाल क्या जी, था आपका? तो अभी तक आप दोनों ने क्यों नहीं साथ में काम किया? देखिए मैंने तैयारी करके रखी है, मैंने कुछ सोच के रखा है कि फ्रेम जैसे ही खुलता है, अरे वाह, एक औरत बिस्तर मर्ग पे हॉस्पिटल में होती है और उसकी झुरियां, झुरियों वाला चेहरा, उसके आसपास उसके 16 बच्चे, फिर उन बच्चों के बच्चे, इनके खानदान, और कैमरा क्लोज जाता है, पेपर होता है उसमें विल साइन, अंगूठा लगाने वाली होती है लेकिन नहीं होता, आखिरी हिचकी हिचकी लो जरा ये जवान वाली बुढ़ापे वाली बुढ़ापा भी मेरे पे आया नहीं बस वो हिचकी लेके कैमरा क्लोज हो जाता है, वहां से फिल्म शुरू हो जाती है। ओ माय गॉड, लास्ट मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि खलील मेरे राइटर होते, और मैंने सोचा था कि मैं इनके नखरे ऐसे उठाऊंगी जैसे बिल्ली चूजा उठा के लेके जा आपको पता है ना जी वफा क्या होती है, आप ही बता दें कि दुश्मनी में भी अगर आपने वफाई नहीं निभाई, बेवफाई की, सबसे बड़ी ताजा मिसाल टॉम एंड जेरी है कि वो दुश्मनी में अपनी कोई बेवफाई नहीं लाते, कोई तीसरा फरीक उनके बीच नहीं आता। वैसे मिसाल आपकी अच्छी है, आई लाइक इट। देखें कार्टून, बच्ची हो गया कार्टून देखती हो, इतनी बड़ी हो गई हो अभी भी देख रही है बहुत अच्छे पिंक कलर के कमीज पहन के आ गई हो सूट। मैं बार्बी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ ना इसलिए। वाह, मियां वाली की बार्बी देखें जी मियां वाली थी बार्बी क्या मियां वाली में बार्बी नहीं होती? बिल्कुल होती है। अच्छा खलील साहब जी, अच्छा औरतों पे आपका स्टांस हमने देखा, बड़ा आपका वाइब्रेंट होता है, तो मर्दों के बारे से क्या कहना चाहेंगे? देखें मैं औरतों के कभी खिलाफ रहा ही नहीं जी, मुझे इस मुआशरे से, इस मीडिया से यही गिला है। पता नहीं मेरी बात को उल्टा सीधा एडिटर, ये तुम करते हो सारा। अच्छा, तुम लोग जोड़ते हो, मैं औरतों के हक में हूँ। आप बहुत ज्यादा जो है ना वो पैसे, जो मेरी फेवरेट है उनके जी हमने सुना है पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं, मुआवजा आपका बहुत ज्यादा है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप इस फील्ड में आए, पहला जब आपको प्रोजेक्ट मिला तो आपको कितने पैसे मिले होंगे? देखिए अल्लाह माफी दे, बड़ी बात समझेंगे आप कि मैंने आज तक अपना कलम नहीं बेचा। कलम नहीं बेचा, लिखने के पैसे नहीं लेते, बिका नहीं ना शुरू में